वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक हो सब लोग? ओके, हम देख रहे हैं क्लच। क्लच क्या है? क्लच इज अ कपलिंग, क्लच इज अ मैकेनिज्म। ऑटोमोबाइल में देखते हैं क्लच वो कंपोनेंट है, वो मैकेनिज्म है जो इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ता और तोड़ता है। तोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? गियर शिफ्ट करते समय, वाहन को रोकते समय, रोकने के बाद उसे स्टार्ट ही रखना है मगर बंद नहीं करना है और पहियों को भी रोकना है। तो ऐसी स्थिति में गियर को हम न्यूट्रल कर लेते हैं और उस समय गियर फिर डिसएंगेज कर देते हैं, मतलब गियर को भी न्यूट्रल करने के लिए, यानी गियर शिफ्ट करने के लिए ही इसका कार्य होता है, क्योंकि अलग अलग परिचालन परिस्थितियों में अलग अलग टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गियर बॉक्स बहुत ही ज़रूरी है, ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ तक पावर को जाना और न जाने देना, ये कार्य है क्लच का। अब क्लच मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मैंने तुम्हें बताया, एक फ्रिक्शन क्लच होता है, दूसरा होता है फ्लूइड फ्लाईव्हील। फ्लूइड फ्लाईव्हील या टॉर्क कन्वर्टर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी फ्रिक्शन क्लचेज के बारे में जान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्लच कितने प्रकार के होते हैं। फिर फ्रिक्शन क्लच कई प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट है सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क, मल्टी प्लेट ड्राई डिस्क, मल्टी प्लेट वेट क्लच। वेट क्लच जो तेल में डूबे रहते हैं, उनको, उन पर भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू एक्चुएशन, कि जब हम उनका प्रयोग किस तरह से हो रहा है, उसमें मैकेनिकल एक्चुएशन जिसमें कि पैडल को दबा के पूरा का पूरा एफर्ट ड्राइवर के द्वारा लगाया जा रहा है, और सारे जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है टॉर्क का या फोर्स का जो ड्राइवर के द्वारा लगाया जा रहा है, उससे जो रिलीज बेयरिंग आगे पीछे जा रहा है और वो फिंगर्स को दबा रहा है, वो जो मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त किया जा रहा है वो लीवरेज के सिद्धांत पे प्राप्त किया जा रहा है। उसमें सारे पार्ट्स मैकेनिकल लगे हुए हैं और पावर भी ड्राइवर द्वारा दी जा रही है, वो है मैकेनिकल एक्चुएशन। फिर इसी में आता है हाइड्रोलिक एक्चुएशन, पार्ट्स लगभग वही रहेंगे, थोड़ा सा बदल जाएंगे। जो ड्राइवर द्वारा लगाया जा रहा एफर्ट है उसको कम करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। उसमें फिर एक फ्लूइड क्लच सिलेंडर होता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद फिर हाइड्रोलिक एक्चुएशन पर भी बात करेंगे। आज हम दो एक्चुएशन पर बात करेंगे, एक मैकेनिकल और दूसरा हाइड्रोलिक। ठीक है, फिर थर्ड वन आ जाता है, इसी में हाइड्रोलिक एक्चुएशन को ही सर्वो भी कर देते हैं। सर्वो मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि अब ड्राइवर के द्वारा कम से कम बल लगाना पड़े। ये इसलिए होता है कि ड्राइवर अगर बहुत ज़्यादा बल बार बार उसे अकॉर्डिंग टू रोड एंड लोड गियर शिफ्ट करना होता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सड़क हाईवे भी हो सकती है, सड़क भीड़ भाड़ वाली भी हो सकती है, सड़क उबड़ खाबड़ टूटी फूटी भी हो सकती है, वो बिना सड़क भी हो सकती है, ऑफ रोड जंगल के रास्ते। आजकल तो सारे मेन रोड भी जो हैं ऑफ रोड बने हैं, देख रहे हो किस तरह से तुम लोग आ रहे हो, सारे संपर्क मार्ग बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वाहन तो चल ही रहे हैं, जरा सा भी रोड खुलती है कीचड़ में भी निकल जाते हैं, खड्डों में भी निकल रहे हैं। तो हर परिचालन परिस्थिति में उसे चलना है, और ड्राइवर अगर क्लच ही दबाने में बार बार उसे क्लच का प्रयोग करना ही पड़ेगा, गियर शिफ्ट, कभी फर्स्ट गियर, कभी सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और फिर पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई उतराई होती है, एक तो रोड टूटी, ऊपर से चढ़ाई उतराई ज़्यादा। ठीक है, थर्ड होगा, उसमें ज़्यादा प्रयास ड्राइवर के द्वारा लगाया जाएगा तो ड्राइवर थक जाएगा, और जब ड्राइवर थक जाएगा तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो मैकेनिकल एक्चुएशन है इसको धीरे 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 रिमूव किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल ही एक ऐसा विकास का क्षेत्र है जिसमें हर दिन विकास, हर दिन कुछ न कुछ
चेंज हो जा रहा। सबसे ज़्यादा R&D एंड टेस्टिंग ऑटोमोबाइल की ही होती है। इसका उद्देश्य क्या है? सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी, इस पर पहले बहुत बात हो गई है। तो अब जो मैकेनिकल का एक्चुएशन है, ये लगभग स्मॉल कारों में ही रह गई हैं, और इसमें भी जो टॉप मॉडल के हैं उनमें भी सब हाइड्रोलिक क्लच यूज होने लग गए। जैसे SUV में तो हाइड्रोलिक क्लच ही यूज हो रहा, ट्रक बस वगैरह में सब में, उनमें हाइड्रोलिक क्लच के बजाय पावर क्लच भी यूज हो रहे हैं। अब ये जो एफर्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए न्यूमेटिक एक्चुएशन भी होती है। न्यूमेटिक मतलब जिसमें एयर प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। जो पावर ड्राइवर के द्वारा लगाई जा रही थी उसको और लेस कर दिया, अब वो एक्चुएशन हवा के प्रेशर से होती है। जो कंप्रेस्ड एयर यूज की जाती है ब्रेक सिस्टम के लिए, एयर सस्पेंशन सिस्टम के लिए, उसी से क्लच को भी यूज किया जाता है। उसी में पाइप लगा के क्लच सिलेंडर तक भी न्यूमेटिक प्रेशर यूज किया जाता है। तो वो पावर क्लचेज आजकल बसों में, ट्रकों में, सभी हैवी व्हीकल्स में वो पावर क्लच हैं। हल्का सा क्लच पैडल को थोड़ा सा ही दबाना है, बाकी काम हवा के प्रेशर ने कर देना है। कैसे होता है इस पर बाद में बात करेंगे। क्या क्या एक्चुएशन बताई? मैकेनिकल एक्चुएशन, हाइड्रोलिक एक्चुएशन, पावर, न्यूमेटिक एक्चुएशन, वैक्यूम, जो इंजन की वैक्यूम है उसको लेकर भी हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट किया जाता है। फिर वो मास्टर सिलेंडर आगे जाकर स्लेव सिलेंडर को ऑपरेट करता है, उसके पिस्टन को ऑपरेट करता है। वो कैसे होता है उसका लेआउट बनाया जाएगा और फिर उसके बारे में गाड़ी में भी दिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएशन, कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डिसंगेज की सुविधा होती है। वो रेनो के ट्रकों में, रेनॉल्ट फ्रांस की कंपनी है, और भी विदेशी गाड़ियों में ये यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। और नेक्स्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये सब फ्रिक्शन क्लचेज हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ को फैलने का उसकी एक प्रवृत्ति रहती है, समझ में आ रही बात। इंजन की शाफ्ट में सेंट्रल वेट लगा के इस पर भी लंबी क्लास है, बाद में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्चुएशन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक की अभी हम बात करते हैं। तुमने जीप का क्लच खोला तो उसमें देखा क्या था? एक क्लच पैडल है। क्लच पैडल को एक जगह पर पिवट किया हुआ है। लीवर का सिद्धांत क्या है? लीवर मैकेनिकल एडवांटेज है। सपोज एक ये बड़ा कोई लोड है, ये बड़ा कोई लोड है जिसे तुम हाथ से नहीं उठा पा रहे, तो क्या करते हैं? यहां पर एक क्रोबार लगाते हैं, सबल बड़ा सा लगा देते हैं, और भी फिर यहां पर एक कोई सपोर्ट लगा दिया इसका, और अगर यहां बल दिया डाला जाएगा तो ये भार आसानी से उठ जाता है। करा है कभी ये? बड़ा सा पत्थर जब सड़क पे आ जाता है या तुम्हारे घर के आसपास भी आ जाता है तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं? पहले तो हाथ से धकेलने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो फिर दिमाग का प्रयोग करते हैं, सब्बल लाते हैं और उसके नीचे भी एक गुटका लगा देते हैं और उसे उठा उठा के हिला हिला के हटा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त किया जा रहा है। सेम इसी प्रकार से जब मैंने क्लच की रिक्वायरमेंट्स बताई थी तो
तो वहाँ पर बताया था ना कि इस इन फिंगरों का जो एक्सियल लोड है वह 100 से 125 न्यूटन 120 न्यूटन तक रखना है। फिर अकॉर्डिंग टू मटेरियल, क्लच का मटेरियल ये मैक्सिमम 300 से 350 किलो पास्कल तक का भी हो सकता है, रखा जा सकता है। अब ये 300 से 350 किलो कहने में काफ़ी लग रहा है, इतना वेट ड्राइवर डालते डालते थक जाएगा। इसको फिर मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त किया जाता है थ्रू लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है कि लोड और एफर्ट का प्रयास, लोड और प्रयास का यह अनुपात है। यह जो आर्म कहलाएगी, यहां पर यह कहलाता है फलक्रम, यहां से यहां तक की ये जो इसके सेंटर से ये हो गई लोड आर्म, यानी ये हो गया लोड और ये हो गया एफर्ट। एफर्ट क्या है? बल लगा रहे हैं आप। तो हम इसको अगर F1 कर देते हैं, ये F2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम L1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये लीवर तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये तुम अपनी ड्राइंग मैथ्स की क्लास में सर को अच्छी तरह से पूछ लेना, उस पर फिर बाद में वहाँ नहीं होगा तो एक क्लास में इसी की ले दूँगा, ठीक है। अभी हम इसी लीवर लीवरेज प्रिंसिपल को किस तरह से क्लच में अप्लाइड किया गया है, यहाँ पर क्या है अप्लाइड, जो कुछ तुमने पढ़ा हाई स्कूल इंटर में उधर वह सैद्धांतिक था, पर यहाँ क्या है उस पर मशीनें बनी हुई है, सिंपल मशीन है, ये साधारण मशीन है जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं ये अब तुम जानोगे, ठीक है, इतनी जगह नहीं है। होता क्या क्या है वाहन में, यह है क्लच पैडल, है जो कि ड्राइवर के एकदम लेफ्ट पैर के द्वारा दबाया जाता है इसको। एकदम राइट में क्या होता है एक्सेलेटर पैडल, बीच में ब्रेक ए बी सी, लास्ट में यानी लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट फुटर, जिसे वो लेफ्ट पैर से दबाता है उसे कहते हैं क्लच पैडल। यह क्लच पैडल एक जगह पर पिवट होता है फलक्रम के द्वारा, और जो इसकी ये एफर्ट आर्म है और ये लोड आर्म है, लोड आर्म के साथ यहाँ पर दोबारा से एक केबल, या तो केबल हो सकती है या फिर ये कोई रिजिड बार हो सकती है। फलक्रम एक रिजिड बार है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो बेंट भी हो सकती है। ये यहाँ पर बेंट इसलिए दिखाया गया है ताकि मैकेनिकल एडवांटेज इसमें भी प्राप्त किया जा सके, ठीक है। ये इस तरह का भी हो सकता है, ये कई छोटी स्मॉल कारों में ये ऐसा भी हो सकता है। छोटी कारों में ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, जो चीज़ यहाँ लगी हुई है वो चीज़ यहाँ लगी हो सकती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। और भी आजकल यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल स्विच भी होता है सेफ्टी के लिए कारों में, जब ये क्लच पैडल पूरा दबेगा तभी ये स्विच ऑन होगा, तभी स्टार्टर मोटर को करंट मिलेगा। इस पर बात आगे करेंगे जब सेफ्टी वाले में, व्हीकल सेफ्टी में जब ये क्लच आएगा उस समय बात करेंगे। चलो ये भी दिखा दिया मैंने, ये भी तुम्हारे मतलब का है। अब ये जो इसमें लगी हुई बार है, ये या बार है या केबल है,
ज़्यादातर बार है, ये इस एक दूसरी आर्म को यानी फोर्क को ये इसको ऑपरेट कर रही है। अब हो क्या रहा है, ड्राइवर दबा रहा है नीचे को, तो लीवर का काम क्या है, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त करना, दूसरी बल की दिशा को बदल देना, बल की दिशा को बदल देना। यहाँ बल की दिशा है ये, जब इसे दबाया जा रहा है, मगर ये फलक्रम है इधर, तो इसका निचला हिस्सा कहाँ आएगा, इस दिशा की तरफ आएगा। आ रहा नहीं आ रहा है, एक क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ ये यहाँ पर लगा हुआ है, उसका कनेक्शन, उस रॉड का कनेक्शन कहाँ है, इस फलक्रम सॉरी इस फोर्क के इस वाले सिरे में है, और पिवट यहाँ पर है। तो जब ये वाला सिरा पीछे को जाएगा तो ये कहाँ को जा रहा है, ये आगे को आ रहा है। तो जब ये बल यहाँ लगा इस दिशा में, ये गया इस दिशा में, तो यहाँ पर पिवट है, तो ये गया वापस इस दिशा में। जब ये क्लच दबा तो इसने इस रिलीज बैरिंग को, इस रिलीज बैरिंग के कॉलर लगा हुआ है, जब ये आगे को आएगा तो ये इस दिशा में जाएगा, समझ में आ रही। तो जब इसको दबाया जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो ये इसको आगे की तरफ धकेल देगा। इसी तरह से जब ये आगे को जाएगा तभी इन डायफ्राम्स को इन इस डायफ्राम को वो रिलीज बेयरिंग दबाएगा, दबाएगा तो ये स्प्रिंग सिकुड़ेगी, कंट्रास्ट होगी। ये जब स्प्रिंग सिकुड़ेगी तो ये वाली जो सरफेस है, ये जो प्रेशर प्लेट है जिसने क्लच प्लेट को दबाया है, ये क्लच प्लेट के ऊपर से दबाव खत्म हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन प्लेट और इसके बीच का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, और क्लच प्लेट भी फ्लाईव्हील के साथ भी हट जाएगी। यानी अब ये फ्रिक्शन प्लेट जो पहले फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट से दबी थी, ये फिर उन दोनों से स्वतंत्र हो जाती, छूट जाती है। जब ये उससे हट जाती है, ये घूमती कब है, जब प्रेशर प्लेट ने इसको दबाया रहता है, पर जब प्रेशर प्लेट का दबाव इसके उसमें से छूट गया तो ये वापस इनर्शिया के कारण अपनी जगह पर आने की कोशिश करती, यानी फ्लाईव्हील से भी हट जाती है और प्रेशर प्लेट की सरफेस से भी हट जाती है। अब प्राइमरी शाफ्ट घूमना बंद हो जाती है, जिस वजह से गियर शिफ्ट आसान हो जाता है। अब जब इन स्प्रिंग्स को दबाने के लिए जो लोड चाहिए, वो चाहिए 120 न्यूटन या 300 किलो पास्कल का प्रेशर चाहिए, ये कैसे प्राप्त किया जाता है यह जानना है। तो ये जो लोड आर्म है या एफर्ट आर्म है, इसकी लंबाई ज़्यादा रखी जाती है। और फलक्रम के बाद जो लोड आर्म है उसकी लंबाई थोड़ा कम रखी जाती है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है लोड और एफर्ट का रेशियो है। गौर से F2 अपॉन F1, F2 ये इनका रेशियो है L1 और L2 का। अब मान लिया ये L1 250 mm है, सारी जितनी भी गणनाएं जो भी यहाँ पर
माप है, ऑल मेजरमेंट्स आर इन mm. तुम्हारे जो पेपर भी आया होगा उसमें भी क्लियर, ड्राइंग के पेपर में भी लिखा होगा, सब में ठीक है। मीट्रिक सिस्टम में जो भी डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी mm में होंगी ठीक है। बार बार अगर mm नहीं भी लिखा है तो समझो कि वो mm है। ये है 250, 25 सेंटीमीटर मान लो ये है, और इस आर्म की लंबाई है 50 mm। L2 50 mm। माना ड्राइवर के द्वारा लगाया गया बल, माना हम मान रहे हैं 50 kg का है या 50 न्यूटन का है जो फोर्स ड्राइवर द्वारा लगाया जा रहा है। अब एक्सियल फोर्स जो इस रिलीज बेयरिंग के ऊपर पड़ रहा है वह कितना होगा, ये हम अभी एक इस उदाहरण से समझते हैं ठीक है। जो एक्चुअली जो फोर्स ड्राइवर अप्लाई कर रहा है उसके फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इस रिलीज बेयरिंग के ऊपर वही एक्सियल फोर्स को ओवरकम करना है। मान लिया कि एक्सियल फोर्स 300 किलो पास्कल है तो इस क्लच प्लेट को छुड़ाने के लिए कम से कम 350 किलो पास्कल का बल चाहिए। समझ में आ रही, क्यों 300 ही का डालोगे तो फिर तो उतने में तो वह थोड़ा सा ही दबेगी, उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उससे ज़्यादा बल लगाओगे तभी वो स्प्रिंग दबेगी, क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं F2/F1 बराबर L1/L2 में अब ये मान को रखो तो F2 तो हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। F1 कितना है 50 न्यूटन, L1 है 250 और L2 है 50। अब इसको सॉल्व करो, खुद ही सॉल्व करो और बताओ कितना आया। जोर से बोल, हाँ 250 न्यूटन नहीं होगा ये, 1250 से 250 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1250 करो 12500 आएगा, वो तुम्हें गुणा करना भी नहीं आ रहा, बताओ ये 12500 पे भी 50 का भाग दोगे तो अब कितना आया 250 न्यूटन। जो ड्राइवर द्वारा आरोपित बल था वो कितना था, मात्र 50 न्यूटन, और लीवरेज ने उसको कितना गुना बढ़ा दिया फिर ये। अब इनका रेशियो क्या हुआ, लीवरेज कितना मिला, कितना मिला 5 का, 5 गुना ज़्यादा शक्ति मिली। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ड्राइवर द्वारा इतना बल आरोपित किया जा रहा है और लीवरेज इतना है तो उसका एक्सियल फोर्स जो ड्राइवर द्वारा दिया जा रहा है उसकी गणना कीजिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये तुम्हारे ट्रेड टेस्ट में भी आएंगे और कहीं भी जाओगे, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे BRO का एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे, वो हर जगह इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और तुम लोग क्योंकि कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, टाइम पास करने के लिए क्लास में आ गए, ITI कर ली, बाकी जयराम जी की।